मम्मी जी, आई नो कि आपका गुस्सा होना जायज है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी प्लान बनाए सब फेल हो चुके हैं। बट आई हैव अ गुड न्यूज मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, विराट ने अमृता को शादी का अरेंज करने के पेपर्स दे दिए हैं। क्या सच? हाँ मम्मी जी, मैं अभी देख कर आई। विराट ने तो पेपर्स भी साइन भी कर दिए और अमृता को पेपर्स दे भी दिए। देखिए मम्मी जी, हम मंजिल के इतने करीब हैं, अब आप प्लीज ऐसा कोई भी डिसीजन मत लीजिए जिससे हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाए। प्लीज मम्मी जी। आओ, शादी खारिज करनी है आपको, शादी खारिज करनी। अरे लग रही है बैंकर, अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं फिर से। क्या कर रही हो? रिलैक्स। शादी क्यों खारिज करना चाहते हो? अरे मैं थोप नहीं रहा हूँ अपनी मर्जी। तुम चाहती थी ना एनलमेंट, वही तो दे रहा हूँ तुम्हें। आप क्या नहीं आ रही है आप? मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या चाहिए कुछ नहीं पता आपको, इंडिया के एक नंबर के। रिलैक्स। बहुत मार चुकी तो मार्च का कोटा पूरा हो चुका, कल फिर से खेलेंगे। हाँ नया पेपर ला के दूंगा, उसमें लकड़ी लोहा जो कहोगी डाल दूंगा, फिर मारना जितना मारना होगा। तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेके। मैं क्यों बैठूंगी? आप बैठिए, मैं खड़ी रहूंगी। ओके बैठिए, बोला ना बैठिए। क्या हो गया? क्या हो गया जो आपने अचानक ऐसे डिसाइड कर लिया अनलमेंट करना है क्या? अरे अचानक। बैठ के बताइए। ओके अचानक अचानक कुछ नहीं हुआ। इतनी देर से बोल रहा हूँ, इतना बड़ा लेक्चर दिया तुम्हें, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया कि प्रियंका तुम पे बार बार अटैक करती रहती है और मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुंचे, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता मैं, और वो गिल्ट मुझे खाए जा रहा अंदर से। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? बुरा लगता है मुझे। और क्या करूं? अंकल, प्लीज इन पेपर्स पे साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगी। आपने अपनी मर्जी से शादी की थी ना मुझसे, अब अनलमेंट मेरी मर्जी से होगी। रुको अंकल, साइन तो मैं नहीं करूंगी। ए क्या क्या कर रही हो? बैठो, क्या कर रही हो?